अगर आपने कभी भी IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से कोई रेल टिकट बुक किया है तो आप ही जानते होंगे कि वो कितना डिफिकल्ट टास्क है। मैं मानता हूँ कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आए हैं IRCTC की वेबसाइट पर, बट स्टिल इट इज सो ट्रिकी टू यूज। तो उसी के कुछ ऑल्टरनेटिव वेज आए हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन। बट रिसेंटली एक IITian जिसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन IIT खड़गपुर से कम्प्लीट की थी, उसने एक रेल टिकट बुकिंग सिस्टम बनाया था जो कि IRCTC के सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें IIT पास आउट्स के ब्राइट माइंड से देखने को मिलती हैं, बट IRCTC की चैन ऑफ थॉट कुछ डिफरेंट है। IRCTC ने उस IITian को पनिश किया और उसको जेल में डलवा दिया। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के तिरुपुर में रहने वाले S युवा राजा की, जो कि इस टाइम पे जेल में है। उसने फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाया था रेल टिकट बुक करने का देन IRCTC। उसने दो एंड्रॉयड ऐप बनाए थे, सुपर तत्काल एंड सुपर तत्काल प्रो, बट IRCTC के अकॉर्डिंग उसने IRCTC के टिकट बुकिंग पॉलिसी सिस्टम को ब्रेक किया था। डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग युवा राजा, जिसने अपनी अंडर ग्रेजुएशन अन्ना यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की थी, उसने 2016 में ये ऐप क्रिएट किया था जब IRCTC की स्लो और ट्रिकी वेबसाइट से लोगों को कन्फर्म टिकट बुक करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। और ये ऐप इतना पॉपुलर हुआ कि बहुत ही कम टाइम में इस ऐप पर 1,00,000+ डाउनलोड्स हो गए थे, बट उसी टाइम पर ऐप स्टोर ने इस ऐप को रिमूव कर दिया था। बट ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल था और इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ फीस लगती थी। सबसे पहले लोगों को एक कॉइन पैक परचेस करना होता था, जिसमें 20 रुपये के 10 कॉइन मिलते थे, जो कि प्रीपेड था। उसके बाद आपकी हर बुकिंग के बाद आपके अकाउंट में से 5 कॉइन कट जाते थे। दोनों ऐप्स का पेमेंट इंस्टामोजो गेटवे के थ्रू होता था, जिससे जो भी मनी होती थी वो युवा राजा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और RPF की साइबर सेल ने सर्वर सोर्स कोड, एप्लीकेशन सोर्स कोड, एंड यूजर लिस्ट और उसके बैंक अकाउंट की हेल्प से उसको ट्रैक कर लिया। सदर्न रेलवे प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग, ही क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर टू बुक टिकट फास्टर एंड ही वॉज नॉट इवन एन ऑथोराइज एजेंट ऑफ IRCTC। बाईपासिंग द रेलवे सिस्टम एंड मेकिंग मनी इलीगली वॉज द क्राइम। RPF ने सेक्शन 143(2) ऑफ रेलवे एक्ट के अंडर केस रजिस्टर किया है और उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रिक्योरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ रेलवे टिकट्स। इस इंसिडेंट के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने वेल्लोर में सिचुएटेड एक एजेंसी के एम्प्लॉय को भी अरेस्ट किया है, जो कि एक ऑटोफिल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था रेलवे की टिकट बुक करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग उस बंदे का तरीका गलत था, बट उसका मोटिव सही था। मोटिव था रेल टिकट बुकिंग को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाना। ये तो हो गया मेरा ओपिनियन। अब आपके क्या ओपिनियन है इस मैटर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।